नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, जून 2022 में समाप्त तिमाही में 789 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लॉस दर्ज करने के बाद निजी एविएशन कंपनी स्पाइसजेट को 225 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। दरअसल उसे ये फंड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि ECLGS के तहत अगले हफ्ते मिलेगा और एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दोस्तों, किफायती सेवा देने वाली कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने ड्यूज को चुकाने और लेंडर को पेमेंट करने में इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अलग अलग इंडस्ट्री को अपने वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बैंकों और NBFC से इमरजेंसी क्रेडिट हासिल करने में मदद के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की थी और इसकी शुरुआत 2020 में COVID-19 के दौरान की गई थी और इसी स्कीम के तहत स्पाइसजेट को 225 करोड़ अगले हफ्ते मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर एयरलाइन ने यह भी बताया है कि उसका अगला CFO अगले हफ्ते ज्वाइन कर लेगा। इससे पहले 31 अगस्त को CFO संजीव तनेजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब स्पाइसजेट ने कहा है कि CFO पद पर सितंबर 2022 में नियुक्ति हो जाएगी और नियुक्ति से जुड़ी सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद इससे जुड़ी जरूरी सूचना भेज दी जाएगी। दोस्तों, स्पाइसजेट का जून तिमाही में नेट लॉस बढ़कर 789 करोड़ रुपए हो गया है, जो इससे पहले 729 करोड़ रुपए था। कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में जेट फ्यूल की अधिक कीमत और रुपए की वैल्यू में गिरावट के चलते उसका घाटा बढ़ा है। तो दोस्तों, स्पाइसजेट और उसके शेयर होल्डर के लिए राहत वाली खबर है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको स्पाइसजेट में कितने का लॉस या फिर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट स्पाइसजेट के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।